ये वीडियो किसी एक्शन मूवी का ट्रेलर नहीं है, बल्कि एक प्रोपेगेंडा वीडियो है जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने रिलीज किया था। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि चाइना के न्यूक्लियर केपेबल H-6 बॉम्बर्स कैसे एक अटैक करते हैं एक अमेरिकन एयरफोर्स बेस पर जो US पैसिफिक आइलैंड ग्वाम पर लोकेटेड है। ग्वाम के आइलैंड में कई मेजर US की मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, जैसे उनका एयरबेस, और ये एयरबेस US के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है एशिया पैसिफिक में तो इस एयरबेस की लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरेस्टिंगली ये वीडियो रिलीज किया गया था 19 सितंबर 2020 में, और करीब 2 दिन पहले ही US स्टेट डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल ताइवान गए थे US और ताइवान के बीच में रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देने के लिए। चाइना इस विजिट से खुश नहीं था और इसके रिस्पांस में उन्होंने ये प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किया। ये जो हमने इंट्रोडक्शन दिया ये एक उदाहरण था कि चाइना कितना इंटरेस्टेड है ताइवान को इन्वेड करने के लिए, और ये चीज और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है अभी रशिया यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कई वर्ल्ड लीडर्स का दावा है कि चाइना इस चीज को बहुत क्लोजली देख रहा है कि वर्ल्ड कैसे रिस्पॉन्ड करता है रशिया के खिलाफ। यूक्रेन के इन्वेजन के पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा था कि अगर यूक्रेन पर कुछ खतरा होगा तो इसका असर हमें पूरी दुनिया भर में देखना पड़ेगा, इसकी गूंजे ईस्ट एशिया तक जा सकती है, स्पेशली ताइवान तक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना और ताइवान के हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स के बारे में और क्यों चाइना ताइवान को इन्वेड करना चाहता है। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैज वाउड टू रीयूनिफाई मेनलैंड चाइना विद सेल्फ रूल ताइवान। 15 चाइनीज प्लेन्स वर डिटेक्टेड फ्लाइंग इनटू ताइवान साउथवेस्ट एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन। आई जस्ट वांट टू मेक चाइना अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट गोना स्टेप बैक, वी आर नॉट गोना चेंज एनी ऑफ आवर व्यूज। यस, वी हैव अ कमिटमेंट। चाइना और ताइवान के बीच में जो अभी रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए हमें इन दोनों ही देश के इतिहास समझने होंगे। अगर हम ताइवान की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बहुत टाइम से ताइवान एक्चुअली चाइना से इंडिपेंडेंट था। ताइवान मेनलैंड चाइना से करीब 130 किलोमीटर दूर है और कई टाइम से ना ही चाइनीज एम्परर्स और ना ही यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ताइवान में इंटरेस्टेड थे, पर ये चेंज हुआ जब ताइवान में 2 चीजें डिस्कवर हुई, सल्फर जो गन पाउडर के लिए यूज किया जाता है और गोल्ड। इस गोल्ड पर कंट्रोल लाने के लिए ही डच कॉलोनाइजर्स ने अपना कंट्रोल जमा लिया ताइवान पर। अब जहां ताइवान को डच कंट्रोल कर रहे थे, चाइना में 2 डायनेस्टीज के बीच में जंग चल रही थी कि कौन चाइना को कंट्रोल करेगा। 1644 में मिंग डायनेस्टी जिसका कंट्रोल था मेनलैंड चाइना पर, उनको चिंग डायनेस्टी ने हरा दिया था, जिसका मतलब था कि मिंग डायनेस्टी को मेनलैंड चाइना छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी अपनी सिक्योरिटी के लिए। इसी वजह से उन्होंने डच से ताइवान छीन लिया था और अपनी अथॉरिटी जमा ली थी इस आइलैंड पर। पर करीब 30-40 साल बाद ये भी चेंज होने वाला था। 1683 में मेनलैंड चाइना की चिंग डायनेस्टी ने ताइवान को भी इन्वेड कर दिया और फिर ताइवान को इंटीग्रेट कर दिया चाइनीज एम्पायर के साथ, और फिर अगले करीब 200 साल ताइवान ऑफिशियली मेनलैंड चाइना का ही भाग रहा चाइनीज एम्पायर के अंडर। पर 1885 में चाइना की चिंग डायनेस्टी को हार देखनी पड़ी जापान के हाथों, जिसकी वजह से चिंग डायनेस्टी का जो ताइवान पर कंट्रोल था वो जापान के हाथ चले गया, और करीब 1945 तक ताइवान को जापानीज ही कंट्रोल करते रहे। अब जहां ताइवान जापानीज कंट्रोल में था, उधर चाइना में कई पॉलिटिकल चेंजेस हो रही थी। चाइनीज लोग प्रदर्शन करने लग गए थे चिंग डायनेस्टी के मोनार्की के खिलाफ। इस प्रदर्शन की वजह से 1912 में चिंग डायनेस्टी गिर गई, और इस रेवोल्यूशन को जो पार्टी लीड कर रही थी चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना को एस्टैब्लिश किया। अब हम जानते कि वर्ल्ड वॉर टू को जापान हार गया था, जिसकी वजह से उनको ताइवान छोड़ना पड़ा, और फिर ताइवान कंट्रोल में आ गया था चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के, जिसको लीड कर रहे थे चियांग काई-शेक। पर 1946 में चाइना में एक सिविल वॉर हुई। एक तरफ थी काई-शेक की चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी तरफ थे कम्युनिस्ट, जिनको लीड कर रहे थे माओ ज़ेडोंग। 1949 में कम्युनिस्ट ये सिविल वॉर जीत गए थे और उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि PRC को एस्टैब्लिश किया। अब जिस तरह 17th सेंचुरी में मिंग डायनेस्टी को हार देखने के बाद ताइवान भागना पड़ा मेनलैंड चाइना से, उसी तरह चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी को भी मेनलैंड चाइना छोड़कर ताइवान जाना पड़ा। उधर चियांग काई-शेक ने एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल एस्टैब्लिश करी। तो 1949 के बाद एक तरफ था चाइना जिसको कम्युनिस्ट रूल कर रहे थे, और दूसरी तरफ था ताइवान जिसको चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी रूल कर रही थी। सिविल वॉर के बाद माओ ज़ेडोंग ने एक वन चाइना पॉलिसी बनाई,
जिसका ये कहना था कि पूरी दुनिया में बस एक ही लेजिटिमेट चाइनीज गवर्नमेंट है और वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान चाइना का ही हिस्सा है और एक दिन चाहे पीसफुल तरीकों से या फिर वायलेंस से ताइवान चाइना का हिस्सा बनेगा ही बनेगा। अब ये मुद्दा और गर्म हो गया जब ताइवान में चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा कि पीआरसी एक्चुअल गवर्नमेंट नहीं है चाइना की, हम हैं और एक दिन हम चाइना पर भी रूल करने लग जाएंगे। 1950s के दौरान माओ की कम्युनिस्ट आर्मी ताइवान को इन्वेड करने के लिए प्रिपेयर कर रही थी ताकि उनको मेनलैंड चाइना के साथ यूनिफाई कर दिया जाए, पर यूएस ने ताइवान स्टेट में अपनी नेवल फ्लीट भेज दी इस चाइनीज इन्वेजन को रोकने के लिए। अगले कुछ सालों के दौरान यूएस सरकार ने अपने ताइवान के साथ रिलेशनशिप्स को और मजबूत बनाने की कोशिश करी। जैसे 1954 में उन्होंने एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन करी जहां उन्होंने ताइवान को डिफेंस सपोर्ट प्रॉमिस किया अगर उनका चाइना के साथ कोई भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। और इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस में भी जो चाइना की सीट थी वो एक्चुअली मेनलैंड चाइना के पास नहीं थी बल्कि ताइवान के पास थी यूएस की मदद से। तो बेसिकली 1971 तक यूनाइटेड नेशंस में जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव थे वो ताइवान से थे, ना कि मेनलैंड चाइना से। अब यूएस ताइवान के बीच बढ़ते संबंध की वजह से चाइना खुश नहीं था और उन्होंने रिटेलिएट किया ताइवान के आइलैंड्स पर शेलिंग करके। इसकी वजह से हमने दो कॉन्फ्लिक्ट देखने पड़े 1954 में और 1958 में। चाइना ने ये बॉम्बिंग बंद कर दी थी 1979 में क्योंकि फाइनली यूएस और चाइना ने ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिए थे। ये संबंध इम्प्रूव हुए थे जब 1972 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन बीजिंग गए थे और इस पीरियड को बुलाया गया था पिंग पोंग डिप्लोमेसी। नाउ थ्रू द कॉमन एफर्ट्स ऑफ चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स The gate to friendly contacts has finally been opened. अब इन relationships को improve करने के लिए US को China की one China policy से भी agree करना पड़ा। इस policy के तहत US ने अपने relationships बंद कर दिए ताइवान के साथ और mutual defense treaty जो उन्होंने establish करी थी वो भी बंद कर दी। इसके बाद Chinese President Deng Xiaoping ने एक proposal किया one China two systems का। इस proposal के तहत China ताइवान को autonomy देगा कि आप अपनी सरकार रन कर सकते हो, अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी चला सकते हो, पर आप चाइना के अंडर ही काम कर रहे होगे। पर ताइवान ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। पर 1995 में चाइना और ताइवान के बीच में रिलेशनशिप्स और खराब हो गए जब ताइवानीज प्रेसिडेंट यूएस गए थे एक प्राइवेट विजिट पर। इस विजिट के दौरान ताइवानीज प्रेसिडेंट की इच्छा थी कि ताइवान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन खत्म हो जाए जो शुरू हुई थी 1979 में जब यूएस ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज कर दिया था। चाइना को लगा था कि ये चीज एक अंदेशा है कि कुछ टाइम बाद वर्ल्ड की कम्युनिटी ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करने लग जाएगी। और रिटेलिएशन में चाइना ने बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करी और कई मिसाइल टेस्ट भी करे ताइवान स्ट्रेट में 1995 के बाद। 2000 के बाद ताइवान और चाइना के बीच में टेंशन निर्भर करी है कि ताइवान में कौन सी सरकार है, प्रो इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी या फिर स्लाइटली प्रो चाइना चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी। 2000 और 2008 के बीच जब ताइवान में सरकार डीपीपी की थी तब चाइना और ताइवान के बीच में रिलेशनशिप्स बहुत टेंस थे क्योंकि डीपीपी ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई जो बोल रही थी कि ताइवान एक्चुअली पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है चाइना से। जब चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी सरकार में आई तो चाइना के साथ रिलेशनशिप्स थोड़े इम्प्रूव हुए। उस सरकार ने रिलेशनशिप्स नॉर्मलाइज करने के लिए कई चीजें करी जैसे कम्युनिकेशन और नेविगेशन लिंक्स को खोलना दोनों देशों के बीच। अब चाइना का जो व्यू है ताइवान के बारे में वो करीब 70 साल में चेंज नहीं हुआ। चाइना ये मानता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा ही है पर शी जिनपिंग के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर चाइना का ये व्यू और स्ट्रांग हो गया है। 2021 में शी जिनपिंग ने एक स्पीच दी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 100th एनिवर्सरी के ओकेजन पर। इस स्पीच का एक पैराग्राफ ताइवान पर पूरी तरह डेडिकेटेड था। उन्होंने कहा कि चाइना का कंप्लीट रीयूनिफिकेशन करना उनके लिए एक हिस्टोरिक मिशन है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक कमिटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो एक बहुत मजबूत एक्शन लेंगे ताइवान की इंडिपेंडेंस के लिए। और इसी वजह से ताइवान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं करी है क्योंकि उनको डर है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो चाइना इन्वोक कर सकता है 2005 का एंटी सेसेशन लॉ। ये लॉ बेसिकली कहता है कि अगर ताइवान ने ये डिक्लेयर किया कि वो इंडिपेंडेंट है तो चाइना फोर्सफुली ताइवान को इन्वेड कर सकता है। बेसिकली ये एक लीगल डिक्लेरेशन है कि शी जिनपिंग को ताइवान को इन्वेड करना ही होगा अगर ताइवान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी। जब पिछले साल अगस्त और सितंबर में दो और हाई लेवल यूएस ऑफिशियल्स ताइवान गए
तो चाइना ने और रिटेलिएट किया और उन्होंने कई चाइनीज फाइटर प्लेन्स भेजे जिन्होंने ताइवान की एयर स्पेस को वायलेट किया, जिसका मकसद बस चाइनीज एग्रेशन दिखाना था ताइवान को। पर इनफैक्ट 24 फरवरी को जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, उसी दिन 9 चाइनीज एयरक्राफ्ट ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में एंट्री करी, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई। अब इसके बावजूद कि कई लोग ताइवान में एक्चुअली चाइना से एस्केप करके ही उधर आए थे, पर ताइवान में अब लोगों ने अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना ली है। 2019 के एक सर्वे ने दिखाया कि ताइवान के करीब 66% अडल्ट्स अपने आप को ताइवानीज मानते हैं, और जबकि बस 4% अपने आप को चाइनीज मानते हैं। और इस इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के पीछे एक मेजर फैक्टर रहा है डेमोक्रेसी। 1990s में ताइवान ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी थी और कई ताइवानीज इस डेमोक्रेसी को खोना नहीं चाहते चाइना से मर्ज करके। इसके अलावा कई ताइवानीज मानते हैं कि ताइवान एक सेपरेट कंट्री है और एक बहुत बड़ी डील है, और अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए ताइवानीज प्रेसिडेंट ने कहा था कि ताइवान के लोग विल डू व्हाटएवर इट टेक्स, जिसका मतलब है कि वो चाइना के दबाव में नहीं आएंगे। पिछले साल से कई यूएस फोर्सेस सीक्रेटली ताइवानी सोल्जर्स को ट्रेन कर रही हैं एक चाइनीज इन्वेजन के खिलाफ। ताइवान कई पैसे भी खर्च कर रहा है यूएस से एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने के लिए। पर हमें ये भी रियलाइज करना चाहिए कि चाइना करीब 25 गुना ज्यादा पैसे खर्च करता है ताइवान के कंपैरिजन से मिलिट्री पर, जिसका मतलब है कि अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करता भी है तो वो इजिली ताइवान के डिफेंस सिस्टम्स को हरा सकता है। इसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या यूएस इंटरवीन एक्चुअली करेगा अगर चाइना ने ताइवान के खिलाफ इन्वेजन स्टार्ट किया। अब अगर आप इतिहास को देखोगे तो यूएस ने इंटरवीन किया है ईस्ट एशिया में, जैसे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। और अगर आप वर्ल्ड वॉर टू के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा ये बुक समरी, जो आप कोकू एफएम ऐप पर सुन सकते हैं जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। इस बुक समरी में 21 चैप्टर हैं जो वर्ल्ड वॉर टू की कई क्रिटिकल मोमेंट्स को एनालाइज करते हैं। इस बुक समरी के अलावा आपको कोकू एफएम ऐप पर कई ओरिजिनल पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी कई डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में। कोकू एफएम ऐप हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है एक लर्निंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए, क्योंकि आप कई किताबों को बहुत जल्दी सुन सकते हो और इसकी कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं है। और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट भी है। उनका एनुअल प्लान यूजुअली होता है 399 रुपीज का, पर अगर आप मोहक 50 कूपन कोड यूज करोगे तो वो हो जाता है बस 199 रुपीज का। तो कोको एफएम आपको जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 1979 में जब यूएस ने ताइवान के साथ अपने रिलेशनशिप खत्म कर दिए थे वन चाइना पॉलिसी को अडॉप्ट करके, तो उन्होंने 1954 की म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी खत्म कर दी थी। पर कुछ टाइम बाद यूएस कांग्रेस ने ताइवान रिलेशंस एक्ट पास करी, जिसके तहत यूएस ताइवान को सपोर्ट कर सकता था अगर ताइवान पर कोई अटैक होता, और इस पॉलिसी को यूएस ने वापस जोर दिया है। अक्टूबर 2021 में जब जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या यूएस ताइवान की मदद करेगा, तो जो बाइडेन ने कहा yes, we have a commitment. अब आप पूछोगे कि अमेरिका इन्वेड करेगा क्यों? इसके पीछे एक कारण है रेपुटेशन। अगर यूएस ताइवान को नहीं बचाएगा तो यूएस दूसरे एशियन कंट्रीज जैसे जापान और साउथ कोरिया को प्रूव नहीं कर पाएगा कि उसकी प्रोटेक्शन गारंटीड है। अब अगर एक यूएस और चाइना एक जंग लड़ते भी है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इसका ये मतलब होगा कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ रही होगी, और इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता कि होगा क्या ऐसी सिचुएशन। इसके अलावा अगर चाइना ने ताइवान को अटैक किया तो क्या गारंटी है कि चाइना बस ताइवान पर ही रुक जाएगा? हमें ये याद रखना चाहिए कि चाइना के कई बॉर्डर इश्यूज हैं साउथ ईस्ट एशिया में कई कंट्रीज के साथ। अब जैसे रशियन फोर्सेस एक्सपैंड कर रही है अपने इन्वेजन को यूक्रेन में, चाइना और ताइवान के लीडर्स इस सिचुएशन को बहुत गहराई से देख रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वेस्टर्न देश इस सिचुएशन के खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनका रिस्पॉन्स ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि चाइना और ताइवान के बीच भविष्य में क्या होगा।